हम तुम्हें चाहते हैं ऐसे जैसे भैंसों को चाहे भैंसे हम। अमृत हो रही है भैया, जब द्वारे पे बारात आवत है तो महतारी बहनी लोग कौन गाना गावत है और क्यों बुरा ना मानिया तो का गाली कहा जाता है। और भोजपुरी इंडस्ट्री के तमाम गणमान्य अतिथियों से मैं चाहूंगा कि भोजपुरी के साथ अवधि भी अभी देखिए प्रतिज्ञा धारावाहिक में भी अवधि बोली जा रही है, तमाम बड़ी बड़ी फिल्मों में भी अवधि गाने बोले जा रहे हैं, उनको भी थोड़ा साथ साथ लगाए रखिए तो बड़ी मेहरबानी होगी। अवधि कलाकारों को भी आप मौका दीजिए, मेरा आपसे निवेदन है। तो कहना है मजा आए तो थोड़ा ताली बजाओ रहा भाई। आज हम फिर से बात करेंगे सानी अवध, युवा दिलों की धड़कन, अवधि और भोजपुरी सिंगर दिवाकर द्विवेदी की। हर देखला में है छोट मगर बड़ा मोट मांगेली, एगो चुम्मा के बदले पंसवा नोट मांगेली। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि जब दिवाकर द्विवेदी के ऊपर एक वीडियो पहले बन चुकी है तो ये वीडियो बनाने का क्या मकसद है, तो इसका जवाब ये है कि जिस टाइम हमने वो वीडियो बनाई थी उस टाइम हमारी तबीयत ठीक नहीं थी और ना ही दिवाकर के बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन थी। इसके साथ कुछ अलग तरह के प्राणियों ने गलत इन्फॉर्मेशन भी दी थी, तो टाइम को बिना वेस्ट आकर एक ऐसे भोजपुरी गायक हैं कि जब इन्होंने अपने सिंगिंग करियर की शुरुआत की उस टाइम पवन सिंह, खेसारी लाल यादव और निरहुआ जैसे भोजपुरी के दिग्गज लोगों का नामो निशान नहीं था। दिवाकर द्विवेदी पैदा हुए 20 मई 1983 को अयोध्या फैजाबाद जिले के भदरसा कस्बे से 4 किलोमीटर दूर मखदुमपुर गाँव में। इनके पिताजी का नाम पंडित अरुणेश कुमार द्विवेदी है। दिवाकर द्विवेदी तीन भाई हैं, जिनमें इनके एक भाई तो स्टूडियो का काम देखते हैं और दूसरे भाई रत्नेश द्विवेदी भी एक सिंगर हैं, लेकिन उनकी आवाज कुछ खास नहीं है। दिवाकर बचपन में स्कूलों से लेकर और भी जगहों पर गाने सुनाते थे तो लोग उनकी आवाज की बहुत तारीफ करते थे। चला ताड़ू कार में सूट सलवार में रोडवा पगड़ बड़ काम हो जाई ओढ़निया वही से उड़ाई बदनिया ऐसे देखैबू हो तो चक्का जाम हो जाई बदनिया ऐसे देखैबू हो तो कतले आम हो जाई। ए हमर रानिया ए हो दिल जानिया चला ना गढ़ा दी तो के सोना के झूलनिया। अरे रे मेरी जान गुलाबो तेरे पे कुर्बान गुलाबो भीतर कती तर रंगवाईला। दिवाकर ने अपनी पढ़ाई बीकापुर में मौजूद भारती कॉलेज से हिंदी और इंग्लिश में ग्रेजुएशन किया है। हम ता दसवां थर्ड क्लास तू ता बाड़ू एमए पास कैसे बीती तोरे संगवा बतावा गोरिया। यार दयार मोर छोटकी भैंसिया लाई गए चोर उठाए रात में गन्नम घुस गई रात में गन्नम घुस गई। दिवाकर एक अच्छे राइटर भी हैं, उसके साथ ही अपने ज्यादातर गाने खुद ही लिखते हैं और कंपोज भी करते हैं। देखी कोनो लईकी बजे मन में बारा मुड़ मुड़ के देखत दोबारा तिबारा मने मन मुनक्का मने मन छोहारा मने मन मुनक्का। आइए जानते हैं कि दिवाकर को पहली बार स्टेज पर गाने का मौका कैसे मिला था। आप लोगों ने मसौदा में रानी सती मंदिर तो जरूर देखी होगी, तो 90 का दशक रहा होगा और उसी मंदिर में कोई प्रोग्राम होने वाला था। दिवाकर ज्यादातर प्रोग्रामों में पार्टिसिपेट करते थे तो उस टाइम दिवाकर भी मसौदा गए हुए थे और साथ में उनके उस्ताद बलेश्वर जी भी वहां मौजूद थे, तो उस प्रोग्राम में दिवाकर ने कोई भक्ति गाना गाया था।
फिर सभी लोगों ने दिवाकर की बहुत तारीफ की, जिससे दिवाकर का हौसला काफी बढ़ गया। और उसी प्रोग्राम में नाइस म्यूजिक वाले आए हुए थे। नाइस कंपनी वालों को दिवाकर की आवाज काफी अच्छी लगी और कंपनी वालों ने दिवाकर को कुछ गानों के लिए साइन कर लिया। आप लोग जानते ही होंगे कि उस टाइम ऑडियो कैसेट चलती थी और गाने एल्बम में रिलीज होते थे। एक एल्बम में कम से कम 7 से 8 गाने होते थे। दिवाकर का पहला एल्बम नीक लागे टिकुलिया नाम का आया था, लेकिन ये एल्बम कुछ खास कमाल नहीं कर पाया। उसके बाद कई एल्बम और आए जो ज्यादा कामयाब नहीं हो पाए। फिर आया एक ऐसा गाना जिसने दिवाकर के करियर को बदल कर रख दिया, और वो गाना था उठा ले जाऊंगा। उठा ले जाऊंगा तुझे अरहरिया में देखती रह जाएंगी। दिवाकर के गाने खास करके यूपी और बिहार के चौक चौराहों से लेकर ट्रकों में और भी काफी जगहों पर सुने जा सकते थे। छोटे छोटे कपड़ा में लागे नशरम बेबी पियर के मारली दम पे दम बेबी। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि और स्टेट में इनके गाने नहीं सुने जाते। दिवाकर ने 2 फिल्मों में एक्टिंग भी की है, और वो फिल्में हैं बिहा और फैंटेस्टिक दुल्हनिया, जो ज़्यादा चल नहीं सकी। और इसमें बड़ी वजह ये है कि दिवाकर का फिजिकल अपीयरेंस उतना अच्छा नहीं है। जिस टाइम दिवाकर ने सिंगिंग शुरू की थी उस टाइम कैसेट नहीं होती थी, इसलिए VCR का इस्तेमाल होता था। ओ दिल रुबा ओ जाने जा जाने के तेरे बाद में रोता है दिल तेरी याद में रोता है दिल तेरी। और लोग ये भी बताते हैं कि जब भदरसा में VCR लगता तो 500-600 लोग इनके गाने देखने आते। वजह सिर्फ इतनी थी कि दिवाकर अपने एरिया से ताल्लुक रखते थे। कॉलेज में मॉडल आइल बा हर लड़का पगला आइल बा सबसे हसीन बा सबसे जवान बा गजब समान बा 5 फुट हाइट बा मामला टाइट बा तोहर हुस्न की नजरिया के निशाना भइल बा जब से देखले बानी तोहके दिल दीवाना भइल बा जब। फिर दिवाकर के गाए ज्यादातर गाने मशहूर होने लगे, और दिवाकर का अवधि से लेकर भोजपुरी में भी नाम होने लगा। खैची खुरपा लई गोरिया खैची खुरपा लई गोरिया जब निकर के तहरी में मन करला मन करे कि लई भाग जाए इन्हें मिया दीन के अरहरी में हमर दिलवा भाई बाबत तोहरे पर राजी हे डार्लिंग बाजा बाजी जरूर बाजे हे डार्लिंग बाजा बाजी जरूर बाजे। उसके बाद तो दिवाकर एक से बढ़कर एक हिट गाने देते गए। अगर आज अवधि का नाम जिंदा है तो वो दिवाकर की ही देन है। सुनना है चमक छल्लो दिल बोले हेलो हेलो हाय भी का मुर्गे छोरा दिल क्या मेरी जान भी ले लो जिला फैजाबाद दमदार गोरिया एक दिल देखा एक बार गोरिया कतने बनी दीदी कतने बनी अवधि के सभी सिंगर्स दिवाकर को ही अपना आइडल मानते हैं। चुम्मा लेके बबुआ अब फरार हो गइल बा भले से वो करे ना वे अपयार हो गइल बा। कोई भी स्टेज शो हो उसमें सभी अवधि सिंगर्स दिवाकर का ही गाना गाते हैं। आई एम गोइंग अरहरिया मघा छुअले सुन सान डहरिया मघा छुअले आर यू कमिंग अरहरिया मघा छुअले आर यू कमिंग अरहरिया। दिवाकर ज्यादातर मुंबई के अंधेरी एरिया में रहते हैं और अपने गांव मखदुमपुर भी आते रहते हैं। धुअर की से नीमन सावर की के पानी बबे जोड़ ब्यूटी में फ्रेश हिंदुस्तानी कहां मिनरल वाटर कहां गंगा पानी। दिवाकर ने इस सक्सेस को पाने के लिए बहुत ही ज्यादा मेहनत की है। जैसा कि आप लोग जानते ही होंगे दिवाकर एक ब्राह्मण परिवार से ताल्लुक रखते हैं, और ये सब उनके लिए इतना आसान नहीं था, लेकिन मेहनत और जज्बे के सामने
दुनिया अपने घुटने टेक देती है। ये चूड़ी बिंदिया रोली लगती हो कितनी भोली, ये लाज शर्म का गहना। तो इस बात को भी नकारा नहीं जा सकता कि दिवाकर ने कुछ वल्गर गाने भी गाए हैं, लेकिन दिवाकर ने बहुत से गाने सोशल इश्यूज पर भी गाए हैं जो हमारे समाज को डिफाइन करता है, और ये बहुत अच्छी बात है। जब से टेलीफोन मोबाइल के प्रचार हुई गवा, जब से टेली मोबाइल के प्रचार हुई गवा, तब से डाकिया बेचारा बेकार हुई गवा। और भी सिंगर्स होते हैं जो सिर्फ लड़कियों से लेकर फालतू चीजों पर ही गाने बनाते हैं, लेकिन दिवाकर ने सोशल इश्यूज को भी चुना और ये काफी अच्छा कॉन्सेप्ट है। दिवाकर ने अपने संगीत की शिक्षा बलेश्वर जी से ली थी। कुछ लोगों का मानना है कि दिवाकर को पहली बार स्टेज पर गाने का मौका मशहूर कव्वाल शरीफ परवाज ने दिया था। अब इस बात में कितना सच है या कितना झूठ, ये आप लोग ही कमेंट करके बताइए। दिवाकर अभी तक कई प्रोडक्शंस के लिए गाने गा चुके हैं, चाहे वो टी सीरीज हो या वेव, चाहे और भी कई प्रोडक्शन हो, उनके लिए भी गाने गा चुके हैं। दिवाकर के कुछ गाने ऐसे भी हैं जो बहुत ज्यादा मशहूर हुए थे, जैसे आँख मारे बबनी धसा के, हजारा देवे गोरी, और भी बहुत से गाने। गोरी गोरी गोरिया बाली बाऊ मिरिया, चले कमरिया हिला के, आग मारे बबुनी धसा के, हारे हंसे पदे बैसा हुआ या झुम्मा पे पंसा हुआ, हजारा दे भाई गोरी तू बैठ जाओ धरा हुआ, हजारा दे भाई गोरी। अवध महोत्सव में दिवाकर द्विवेदी को सरस सलील के तरफ से बेस्ट ऑडी सिंगर का अवार्ड भी मिल चुका है। इस छोटे से कलाकार को आमंत्रित करके हमारा आपका दोनों का सम्मान बढ़ाया है। एक बार सरस सलील परिवार के लिए जोरदार तालियां हमारी तरफ से होनी चाहिए। जय हो। और मुझे अचानक संचालिका महोदय, हमारी जो खूबसूरत संचालिका महोदय है, इन्होंने इनवाइट कर दिया, मैं तो ऐसे बैठा था। उसके साथ दिवाकर को और भी अवार्डों से नवाजा जा चुका है। जयपुर के लहंगा चोली चुनर मंगावा बालम, साड़ी बनारस वाली जाके ले आवा बालम, ले आवा डोलिया कहार बलम जी, ले जा गवनार बलम जी। मेलावा में घूम घूम खाए गुल गप्पा, लइकन के संग खेल कीत कीत कीता, जवानिया उछाल मारई यक यक बिता, जवानिया उछाल मारई यक यक बिता। एक बार दिवाकर बहुत ही मशहूर शो कपिल शर्मा में ऑडियंस बनकर गए थे, जहां उन्होंने कपिल शर्मा के ऊपर एक गाना भी गाकर सुनाया था, जो आप इस वीडियो में देख सकते हैं। आप इनके साथ आए? नहीं सर, हम अकेले। ऐसे ऐसे क्यों कर रहे थे फिर? सर मैं बहुत बड़ा फैन हूं आपका। शुक्रिया सर, धन्यवाद। अयोध्या जी से आया हूं। अच्छा वाह, अयोध्या से। और एक मैंने गाना आपके ऊपर बनाया है। अच्छा जी, आपका खुद का लिखा हुआ? जी मेरा लिखा हुआ। अच्छा जी, और कंपोज भी आपने किया? जी जी। वाह, हां जी सर सुनाइए प्लीज। अरे जकरे पीछे देखा कितनो नौजवान भागता, जकरे पीछे देखा कितनो नौजवान भागता, अब तो बूढ़िया भी ब्यूटीफुल जवान लागता, बूढ़िया भी ब्यूटीफुल जवान लागता, जकरे पीछे देखा कितनो नौजवान भागता, जकरे पीछे देखा कितनो नौजवान भागता, अब तो बूढ़िया भी ब्यूटीफुल जवान लागता, अब तो बूढ़िया भी ब्यूटीफुल जवान लागता। कपिल शर्मा जी पूरे देश को हंसाते हैं, पर अर्चना जी से आप मीठी डांट खाते हैं, और इनका देख के डर लागे ये पहलवान लागता, अब तो ब्यूटीफुल जवान लागता, बूढ़िया भी ब्यूटीफुल जवान लागता। वाह वाह वाह, क्या बात है, बड़ी मजेदार लाइनें लिखी आपने। थैंक यू सर, बहुत अच्छा गाया आपने, शुक्रिया, धन्यवाद, बैठिए। एक बार तो मशहूर सिंगर और रैपर हनी सिंह कपिल शर्मा के शो पर आए हुए थे, तो उनसे एक ऑडियंस ने कहा कि आपने हिंदी, इंग्लिश, पंजाबी और भी कई भाषाओं में गाने गाए हैं, लेकिन भोजपुरी में कोई भी गाना नहीं गाया, इसलिए आप कोई भोजपुरी का गाना गा दीजिए। तो हनी सिंह ने भोजपुरी का जो गाना गाया था वो गाना दिवाकर द्विवेदी का था, और उस गाने का नाम है कॉलेज में मॉडल आइल बा। सोच लीजिए, इतने बड़े सेलिब्रिटी ने दिवाकर द्विवेदी का गाना गुनगुनाया था, जो अपने आप में ही बड़ी बात है। दिवाकर ने कुछ गाने कॉमेडी टाइप के भी गाए हैं, जिसे सुनकर आप अपनी हंसी रोक नहीं पाएंगे। ए बूढ़ा बुढ़ावा बौरान बा, हे बूढ़ा बुढ़ावा बौरान बा। हा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 ह
ससुरे मेहरा रुके पिछवा कैसन पगलान बा मोछिया मुड़ौले बा बरवा रंगौले बा तनवा बुढ़ाए लेकिन मनवा जवान बा आजकल के नार छबीली कैसन नाच नचावा थी जात चले ना चले पहरवा दिवाकर ने अपने करियर में लगभग 2,000 से 3,000 गाने गाए हैं। हमके सीना से ला जाके चिपका ला कसम से बड़ी जाड़ लागेला दिनवा जैसे तैसे कैसो बीती जाला की रतिया पहाड़ लागेला। दिवाकर अपने ज्यादातर गानों की धुन हिंदी के गानों से ही बनाते हैं। दिवाकर के भक्ति गीत भी काफी जबरदस्त होते हैं। अरे रे मेरी जान अयोध्या है मेरी शान अयोध्या अवध में जन्मे श्री राम जी चलो चलो भक्तों श्री राम जी के द्वार राम जी करेंगे तुम्हारा बेड़ा पार चूटल अयोध्या में बटे बड़ी भीड़ राम जी के बोला भैया जय जयकार। अरे रे मेरी जान अयोध्या तुम्हें मेरी बिगड़ी बनाना पड़ेगा जब जब पड़ेगी विपदा मुझ पर मैया तुमको आना पड़ेगा। दिवाकर का एक गाना है दुनिया मांगे सोना चांदी। ये गाना टिकटॉक पर काफी वायरल हुआ था जिसकी धुन दिवाकर ने सलमान खान की फिल्म मैंने प्यार किया के गाने दिल दीवाना बिन सजना से कॉपी की थी। दिल दीवाना बिन सजना के माने ना दुनिया मांगे सोना चांदी हम मांगी मेहरारू। जैसा कि हमने बताया है दिवाकर अपने ज्यादातर गाने हिंदी गानों की धुन पर ही बनाते हैं। दिवाकर का एक और गाना है जिसका नाम है भीगी भीगी रहती है। इस गाने की धुन को भी सलमान खान की फिल्म बॉडीगार्ड के तेरी मेरी गाने से कॉपी किया गया है जिसे पाकिस्तानी सिंगर राहत फतेह अली खान ने गाया था। दिवाकर ने इस गाने को जितनी खूबसूरती से गाया है इस तरह का कमाल पूरे भोजपुरी इंडस्ट्री में सिर्फ दिवाकर या पवन सिंह ही कर सकते हैं। दिवाकर ने कुछ हिंदी गाने भी गाए हैं जो हमारे पर्सनली फेवरेट हैं। हमें तो लगता है कि दिवाकर को हिंदी के गाने भी गाने चाहिए थे। अगर दिवाकर ने ऐसा किया होता तो शायद इनका फैन बेस काफी बड़ा होता। प्यार न करना दादा बाबा कह गए प्यार किए जो थे जहां वहीं रह गए प्यार न करना दादा बाबा कह गए। तो चलिए दोस्तों वीडियो को खत्म करते हैं फिर मुलाकात होगी एक नई वीडियो में एक नए चेहरे के साथ। तब तक के लिए जय हिंद। मजा आया और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूँ।